तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज जैसा कि मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान में, एक यूएसए है, ठीक है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं एक्सप्लोर करूँ यूएसए को। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया इज़ एन अमेजिंग यूनिवर्सिटी। इट्स एनवायरनमेंट एंड स्टडी इज बेस्ट एज कम्पेयर टू ऑल अदर यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान। यूएसए इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस यूनिवर्सिटी। सो यार, ये आप हमारी यूनिवर्सिटी का ग्राउंड देख सकते हैं, ठीक है। यार ये आप लोग देख सकते हैं यूएसए में कैसे पुलिस हर वक्त अवेलेबल होती है, ठीक है। तुम्हारे जैसे लोग हैं यहाँ, क्या बढ़िया था गुरु। यहाँ पे देख सकते हैं एनवायरनमेंट इनका कितना फ्रेंडली है यार, ऐसी रोती रहती हैं गले लग लग के। और ये हमारी क्लास खत्म हुई है, ठीक है, लेक्चर लेने के बाद। यार इस यूनिवर्सिटी में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, लेक्चर आपके बहुत ज्यादा होते हैं। ये देख सकते हैं इनकी लड़ाई चल रही है क्लास के बाद। सो यार ये हमारा यूएसए का कूलर है, तो मैंने सोचा मैं आपको यूएसए का कूलर भी एक्सप्लोर करवाता हूँ, ठीक है। जिधर कभी भी ठंडा पानी नहीं मिला, और लेकिन हम फिर भी रोजाना आते हैं पीने के। देखिए इसका प्यार कितना प्यार शो कर रही है कि ठंडा पानी नहीं होता लेकिन फिर भी ये पीती है। सो गाइज, ये अपना यूएसए के साथ लव शो कर रही है, और ये देख सकते हैं ये पाकिस्तान के झंडे में आई हुई है, ठीक है, ग्रीन वाइट। क्या कहना चाहेंगी आप यूएसए के बारे में? यूएसए में पढ़ने का हमें बहुत मजा आता है। यहाँ पे मेडिकल टीचर्स जो भी हैं हमारे, अब तक काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, और यहाँ पे हमें उनसे पढ़ने का बहुत मज़ा आता है। लेकिन हमारे लिए ये दुख की बात है कि जो जो टीचर्स ने अब तक हमें, जिन टीचर्स ने पढ़ाया, वो अब उनके साथ हमारा ये लास्ट सेमेस्टर, और ये हमें बहुत दुख की बात है। आज हमारे नेट में डैमेज होता है। सो गाइस, ये हफ्सा है, और हफ्सा के पास इसका प्रोजेक्ट भी है। ये मेरा प्रोजेक्ट है, और यूएसए में ऐसे प्रोजेक्ट करने का मजा आता है। यार हर किसी को यूएसए से बहुत प्यार है, और यू नो स्टूडेंट्स है वहाँ के। ओए ओए ओए, जो गाए दिल मेरा, पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए ओए ओए, चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना। सो गाइस, ये हमारी पूरी क्लास का नाश्ता लेने जाएगा, पूरी क्लास यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। एक ये जो के पता नहीं किससे बातें कर रहा है, और ये सबका नाश्ता लेने जाएगा, पीछे हो जाएगा। ले ये आए बस वो आ जाए। एक ये हमारे पास इतना बड़ा बंदर बैठा, लेकिन नाश्ता लेने जा रहा है। ये देख सकते हैं यूएसए के बच्चों में कितनी यकजहती है, यूनिटी है, कि सब मिलके नाश्ता करते हैं, और सब बैठे हुए हैं यहाँ पे मुझ समेत। पैसे हम सब इकट्ठे देते हैं उसे। गाए हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बारात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाकर भी ना चाहे, करे जो मन मानी। What you can say about these Chinese person? क्या क्या हुआ सना? हाँ ये इसका मजाक उड़ा रही है, ये इश्मेश पे। तो पूछते हैं यूएसए के बारे में, क्या कहना पसंद करोगी यूएसए के बारे में? पहले तो हमें यूएसए बहुत बुरा लगता था, जैसे हम थर्ड सेमेस्टर में दो सेमेस्टर गुजार चुके हैं, इंडिया तब हमारा लव बन गया है, जैसे कि हमारा होम टोम सेकंड होम टोम हमारा यूएसए। थैंक यू। मन न माने मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम, सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना, छोटी उम्र पर बड़ी नजर है। ओ ये नाश्ता ले आए हैं। अब तो आ रहा सपास आ रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। अब तो आ रहा सपास आ रही बारात, करना इंकार। सो ये हमारे कैंटीन का अच्छा सा कैफे है, जहाँ पे हम अच्छा कैफे है यार, जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ लेने आते हैं अक्सर। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, जहाँ पे सना जैसे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। इस सना जैसे बच्चे मैं पढ़ी ना।
तो यार मैं यहाँ पे मलिहा और आयशा से पूछता हूँ कि ये यूएसए के बारे में क्या कहना चाहेगी, अपना इन कैसे लव शो करेंगी यूएसए के साथ? यूएसए जो है वो हमारा ना सेकंड होम बन गया, क्योंकि हम अपने घर से ज्यादा यहाँ पर ही टाइम गुजारते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम 8 बजे के आए, हमें अब 4 बजने वाले, हम अभी तक इधर ही हैं, घर जाके बस हमने खाना खाना है, फिर भी आप वी लव यू एस ए। तुम यूएसए के बारे में बहुत होती है, ख्वाहिश भी होती है, बच्चों की ख्वाहिश भी होती है यूएसए वालों के बीच। यूएसए ना ग्रीनरी, रेडनेस, रेडनेस की दे रहे हैं, रेडनेस की, ओह ये रेडनेस, ओह माय गॉड, रेडनेस, ब्यूटी, यूएसए की तारीफ पूछी है भाई, यूएसए की। हाँ देखो, यू मतलब यूएस मतलब बेस्ट, और ये मतलब ये ब्यूटी कहीं और तरफ जा रही है यार, ये ब्यूटी कहीं और तरफ जा रही है। ग्रीनरी आपको मैं यूएसए की दिखा देता हूँ, ठीक है? ये आप देख सकते हैं सारी ग्रीनरी है यूएसए में। यार ये एक सेमिनार चल रहा है जिसमें इन्होंने अपना प्रोजेक्ट शो करवाना है, जो इनके एचओडी हैं और इनके टीचर्स वगैरह को, फाइनल प्रोजेक्ट है इनका। Hope you guys like this university and visit for admission in University of South Asia and get more and more scholarships. Thank you so much.